तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, हालांकि हम सब भगवान के आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअल स्पार्क है, पर हम कभी भगवान बन नहीं सकते। जैसा आग है और आग का ताप है, गर्मी है, गर्मी और आग दोनों कनेक्टेड है, पर जो गर्मी है, हीट है, आग पे निर्भर है। तो आग का एक गुण है गर्मी या प्रकाश, पर गर्मी आग नहीं है। पर ये जो सिद्धांत है, सरल सिद्धांत है, जो श्रील प्रभुपाद इतने सरल भाषा में समझा रहे हैं, वो लोगों को समझ में नहीं आता, और उन लोगों को लगता है कि जीवात्मा और भगवान एक ही है। तो ये दुनिया में भगवान की शक्तियां हैं, भगवान का ही शक्ति है, पर ये सब भगवान नहीं है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व, भगवान की शक्तियां हैं पर भगवान नहीं है। जैसे सूरज की किरणें हैं, पर ये सूरज की किरणें सूरज नहीं होती, सूरज के साथ संबंध है, फिर भी सूरज का महानता महत्व है, उसका जो महानता है सूरज की किरणों से श्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं, जो जीवात्मा है, जो भगवान के अंश है, भगवान के प्रतिबिंब है, वो कभी भगवान नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे ये दुनिया में हर एक चीज भगवान पे ही निर्भर है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम। ये दुनिया का जो अलग अलग शक्ति है, माया का शक्ति भगवान पे निर्भर है, हमारा जो शक्ति है जीवात्मा का शक्ति भी भगवान पे निर्भर है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कैसे ये दुनिया में ये अलग अलग शक्तियों के उनके संबंध में देखना है, उनका महानता जानते हुए।